मैं हूं राहुल भोज और इस वक्त मेरे साथ बिग बॉस सीजन 10 के बहुत ही फेमस कंटेंडर मनु पंजाबी। मनु भैया बैठे हैं। मनु भैया बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल ये सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं अपने रिव्यूज के साथ। नहीं, बहुत तारीफें मिल रही हैं आपको तो। पर गालियां बराबर है दोस्तों, मैंने नोटिस किया, गालियां भी बराबर है। कैसा है आपकी जर्नी का ये रिव्यू सेक्शन जो आपने नया निकाला, क्या कहना चाहेंगे? मैं आया तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ था दोस्तों, लेकिन लोगों ने बहुत जम के लिए मेरी इसके अंदर, मतलब मैं रोज सुबह नींद से उठता हूँ, अपना ट्विटर अकाउंट जैसे ही ओपन करता हूँ और मुझे देख गालियाँ पे गालियाँ। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी आर्मी बना रखी है, कुछ सोचना ही नहीं चाहते। मतलब एक्चुअली वो आप लोगों को अलग तरीके से देख रहे हैं, मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं। मुझे वो ऐसे देख रहे हैं कि मतलब मैं ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो तुम लोग कर रहे हो। मतलब तुमको ये टारगेट ही देख रहे हैं, तुम्हारा जॉब है या तुम इसको डिसिप्लिनली कर रहे हो। मुझको ऐसे देख रहे हैं कि ये क्यों यहाँ पे, ये ऐसे क्यों कर रहा है, तुम भी इसके पीछे हो। आप घर के अंदर जेलर बनकर जाते हैं, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या एक्सपीरियंस था दर्शकों को? दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, मैं घर के अंदर जेलर बन के जाता हूँ और मेरे साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या होता है, भाई ने पूछा। एक्चुअली ये होता है, जेलर को सारे के सारे कैदी गालियां बोलते हैं, सारे आगे पीछे के लोग बुरा बोलते हैं। जेलर बेचारा बस अपनी टाइट यूनिफॉर्म में खड़ा रहता है, लोगों से बात करने की कोशिश करता है कि मैं सही था, पर कोई मानता नहीं है। तो दोस्तों जो मुझे गलत लगा उनको मैंने बंद करवाया, जो मुझे सही लगे उनको मैंने छोड़ दिया। सो दैट वाज द एपिसोड। मनु भैया, कालकोठरी में हम देखते हैं कि आप बता रहे हैं प्रीतम क्यारे जी के साथ मिलकर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कितना नोकझोंक हुई और क्या हुआ? प्रीतम ने मेरा कंटेंट खाने की बहुत कोशिश की, हम दोनों कंटेंट सीख करते हैं, एक दूसरे से कंटेंट छीनना चाह रहे थे, हमने बहुत लड़ाइयां की है अपने अपने कंटेंट के लिए। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे। मतलब एक्चुअली अंदर बहुत मस्त था, बहुत मजे आए हम दोनों को, और प्रीतम के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बैठ रहा है, हां ठीक है, प्रीतम के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और हम लोगों ने बहुत मजे किए दोस्तों। ओके, और घर के कंटेंडर्स वो क्या कह रहे हैं? घर के जो भी कंटेस्टेंट थे उनसे मिलकर के मुझे ऐसा लगा कि लोग अब हार चुके हैं, बिग बॉस 5-7 दिन तो ढंग का खाना दे दो, बच्चों की जवानियां जा चुकी है, जितने वजन थे उन लोगों के आधे हो चुके हैं। दीपक तो इनफैक्ट कल जेल के अंदर ऐसा लग रहा था पूरी जाली, मतलब एक सिंगल वाली जाली में से गर्दन निकल सकती है। दीपक की हालत बहुत दयालु हो चुकी है भाइयों, उसको वोट वो सपोर्ट छोड़ो, बिग बॉस लोगों को खाना डाले अंदर, दीपक कुछ खा सके। मनु भैया, अगर मैं बात करूँ इस साल जो अगर रिलेशनशिप एक निकल कर आया, वो भाई बहन का निकल कर आया, क्या बोलना चाहेंगे आप श्रीसंत और दीपिका जी के इस रिलेशनशिप को लेकर? आप घर के अंदर एक्सपीरियंस भी कर आए, थोड़ा सा प्रकाश डालो दोस्तों। मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ दोस्तों इन दोनों की दोस्ती के ऊपर। दोस्तों एक्चुअली इन दोनों की फ्रेंडशिप का बॉन्ड ऐसा है कि उस घर के अंदर आपको एक खूबसूरत घर के अंदर ऐसा आप लोगों को लगता होगा, वो एक खूबसूरत जेल, उस खूबसूरत जेल के अंदर आपको कईयों को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और कईयों को ऑडिशंस के थ्रू अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर जब लोग यहाँ बंद हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में इन लोगों को लगता है मुझे कैमरे में दिखना है, मुझे कैमरे दिखना है, जैसे मुझे दिखना है, देख रहे हो। तो दोस्तों इस चक्कर में ये लोग एक रिलेशनशिप पॉइंट उधर इसलिए बन जाता है दोस्तों, वहाँ खाना पीना नाना सोना उठना धोना टास्क में हर चीज में दोस्तों की जरूरत होती है, तो एक बॉन्ड अल्टीमेटली जनरेट होने लगता है। और दो लोग जब आपस में एक दूसरे को समझ जाते हैं तो वो लोग किसी ना किसी एक पवित्र रिश्ते में ढल जाते हैं, कुछ उभर के सामने आते हैं, कुछ ढक जाते हैं। हमारे सीजन में भी कुछ ढक गए थे, कुछ सामने आ गए थे। तो दोस्तों वैसे ही 11 में भी हुआ था ना, हाँ 11 में ऐसा सीजन आया था वाला जो मैं जो उजागर नहीं हुए, जो उजागर नहीं हुए। तो इस तरह के रिश्ते बनते हैं और ये भाई बहन 100% भाई बहन बन चुके हैं। ये बाहर आकर के अपने भाई बहनों से भी कॉम्प्लेक्स कर लेंगे कि देख वो ज्यादा अच्छी बहन थी, ऐसा हो चुका है इनके बीच में। और ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं दोस्तों इन रियलिटी शोज के अंदर, बिकॉज क्या होता है ना मोस्टली जैसे आप अपनी रियल सिस्टर के साथ अभी जैसे सुबह घर से निकले, शाम को 8-9 बजे आए और एक रात को आप जाके सो गए, तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा अपनी बहन से बात करते हैं। तो भैया 24 घंटे कैमरा फिर भाई बहन साथ में, तो 16-18 घंटे रोज लोग साथ रहेंगे, तो 10-10 साल की दोस्तियाँ हो चुकी है, तो वो एक ट्रू बॉन्ड है। ओके, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आरोप लग रहा है दीपिका जी के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो श्रीसंत जी की जो पॉपुलैरिटी है उसको बनाने की, इधर माइक है जिसमें तूने हाथ रखा हुआ है, बराबर अभी बनाने की कोशिश कर रही है वो सोशल मीडिया पर, ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो यूज कर रही है श्रीसंत को, आपके क्या व्यू पॉइंट है इसका? सी देखो, ये कई लोगों को ऐसा लगता होगा, बट एक जो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है वो डिफरेंट है, टीवी की फैन फॉलोइंग है वो डिफरेंट है। मैं कहीं नहीं देखता कि दीपिका जी को श्री की फैन फॉलोइंग की जरूरत होगी, बिकॉज सारे हिंदुस्तान की माया तो दीपिका कक्कड़ को जानती है, तो माओ के यानी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, तो वोट की उसको भी कोई बैंक की इतनी जरूरत नहीं होगी, बट दिस इज अ ट्रू बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, कौन है सबसे ज्यादा? तुम हो ज्यादा, 5 मिनट हो चुके, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, 5 मिनट नहीं हुए, ज्यादा हो गया भाई, 15 सेकंड है अभी, 1 मिनट तुम डिस्टर्ब कर रही हो। कौन है सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, रोमिल चौधरी या फिर एस श्रीसंत? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूंगा, श्री
एक अलग पर्सनालिटी है और रोमिल का अगर टाइम के अकॉर्डिंगली आदमी को पद और औहदा मिले और फिर भी उसके ऊपर घमंड नहीं है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार, और इज अ देसी गाय, ही बिलोंग टू अ लाइक विलेजी एरिया, और वहाँ से आकर के कोई बंदा अगर कुछ करके दिखाता है और डिग्री वकील की जेब में है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनता है दोस्तों। अपन तेरे साथ है रोमिल। ओके, कौन है रियल, कौन है फेक और कौन है मौका परस्त? सर सारे रियल होते हैं, सारे ही फेक होते हैं कैमरा पे कभी कभी जज करने के लिए, और मौका परस्त भी सारे के सारे होते हैं। इट्स अ रियलिटी शो, मे बी यू कैन सम टाइम कैच अ रियलिटी, बट इट्स हाईली एडिटेड इंटायर फ्रॉम इनर द माइंड। हम अंदर से चीजों को सोच के चलते हैं उसके ऊपर। इट्स अ रियलिटी फॉर यू गाइस व्हाट यू आर व्यूइंग एंड वॉचिंग, बट हम लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप सोच के चलने वाला होता है। इट्स एडिटेड रियलिटी, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू टू कंटेस्टेंट, नॉट वो तो बेचारे वही दिखा रहे हैं। मनु भैया, सुरभि का हमने नेचर में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज देखी है, एक अलग तरीके की अब सुरभि राणा हम देख रहे हैं, बच्चा सुरभि कह सकते हैं। उनका ये जो जर्नी था, पहले वो स्वैग वाली सुरभि थी, अब ये, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सुरभि पे बाहर आके एक रिसर्च होगी, सुरभि का दिमाग लिया जाएगा और उसका पहले इंश्योरेंस कराया जाएगा। लास्ट अब्दुल कलाम जी का होता उसका होगा दिमाग का रिसर्च, और पता लगाएंगे उसके दिमाग को जब भी वो 70-80-90 में जाती है, उसके बाद उनके दिमाग को खोल के देखेंगे कौन कौन से तीन प्लॉट्स होते हैं। हो सकता है 2-3 छोटे मगज भी उनके अंदर जो अलग अलग काम कर रहे हैं। मनु भैया, एक और क्वेश्चन है, करणवीर जी जिस तरीके से खेल रहे हैं, जो गेम प्लानिंग है, आपको क्या लगता है कि आप उनको क्या एक सलाह दे सकते थे जिससे कि एक अच्छी गेम प्लानिंग उनकी आए? अब एक्चुअली लेट हो चुकी, अब अपने अपने बर्तन इकट्ठे करके लोग अपना गांव छोड़ के जाने लगे, एक एक करके निकल रहे हैं गांव से बाहर। सो केवी कुछ अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो गया, वो कोई क्वेश्चन लगा नहीं लोग, कुछ अच्छे लोगों के लिए वो बहुत अच्छा हो गया, और बाकी कुछ लोगों के लिए अब वो नहीं अच्छा हो पाएगा, इट्स टू लेट। ओके, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा, कि आप रिव्यू करते हैं, आपके रिव्यू लड़की छुड़वाएंगे मेरी, फैंटेबुलस रहते हैं। मनु भैया, इसमें ना हर दिन कोई ना कोई अलग हीरो बन रहा है, कोई जीरो बन रहा है, कोई जीरो से हीरो बन जाता है, कोई मतलब कोई फिक्स नहीं चल रहा है अगर देखा जाए तो। ऐसे में उनके फैंस जो है, सपोर्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रोलबाजी करते हैं या ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों बेसिकली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोहब्बत बहुत अच्छी होती है। आप हम बेसिकली ये यूथ का प्रॉब्लम होता है कि हम एक ना मतलब एक रास्ते पे निकल लेते हैं और उसमें ब्लाइंडली फेथ करके चले जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अपनी आंखें खोल के रखो, पेरेंट्स के अलावा किसी भी आदमी पे 100% भरोसा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी हो। तो एक 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 बंदे को जिसको आप पसंद कर रहे हो, जिसको टेलीविजन पे देख रहे हो, 100% उसके लिए आंखें बंद करके भक्त बनने की जरूरत नहीं है यार दोस्तों। सिर्फ उतना ट्रस्ट करो जितना बनता है, बाकी तो शो है बॉस, शो है, शो करेंगे लोग अपने आप को। थैंक यू सो मच मनु भैया, थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा टाइम देने, लव यू, बाय बाय गाइस। मैं दोस्तों मैं रेडी रहते हो? आ जाओ आ जाओ, जल्दी जा, फोन कर ले, फोन कर ले कि अभी क्योंकि मेरे को। अरे दोस्तों मैं बॉलीवुड स्पाई से मनु पंजाबी आपके साथ, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मनु भैया, बाय बाय बाय, टेक केयर। मनु भैया, एक चैनल आईडी में गड़बड़ हुई है, बनाना भाई, करो स्टार्ट। यहाँ है दोस्तों, मैं बॉलीवुड स्पाई से मनु पंजाबी आपका दोस्त, लव यू गाइस, बाय बाय। चालू नहीं क्या, मैं थोड़ा शाय हूँ ना, मुझे एकदम से तो होता नहीं है सब कुछ, कर लेंगे ना। जिन्होंने आजकल हाल ही में यू नो सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा रखा है, तारीफें तो मिल ही रही है, तारीफा तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत गालियां भी पड़ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मनु पंजाबी से, और जानते हैं कि अभी हाल ही में वो बिग बॉस में होकर आए, तो उनके व्यूज थोड़े से बटोर रहे थे बिग बॉस के ऊपर। हेलो मनु, वेलकम टू मूवीज अड्डा। या हाय मूवीज अड्डा, हाउ आर यू गाइस, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनु, आप अभी भी घर जाकर आए थे, ठीक है, आप और प्रीतम सिंह आप दोनों गए थे, तो कैसा लगा? एक अगर ओवरऑल सिनॉप्सिस आप बताना चाहें अपने सफर का। पहले तो मैं फ्लैशबैक पे चला गया था दोस्तों, उस घर को देखते ही मुझे अपने घर की याद आ गई थी और मैं बहुत ज्यादा खुश आ गया था उस घर के अंदर। एंड फाइनली आई गेट टू नो दैट कि मैं यहाँ पर एक कंटेस्टेंट की तरह से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एक गेम खिलाने के लिए आया हूँ। तो बस हमने फिर अपना प्लान शुरू किया और उस गेम के आगे बढ़े। तो घर आप लोगों को भेजा गया था ऑफकोर्स थोड़ी बहुत आग लगाने के लिए, थोड़ी बहुत चीजें यू नो जनता की तरफ से पूछने के लिए, तो आपको क्या क्या ऐसा लगा कि यू नो कि घर में ये रिलेशंस फेक है और ये लोग यू नो सच्चे लगे आपको? सो इट वॉज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट कि हम बहुत जल्दी ये गैस कर लें कि कौन अच्छे और कौन बुरे थे। ये थोड़ा सा मेरे लिए उस समय बहुत जल्दी था, बट आई फाउंड अ ट्रू बॉन्ड इन दीपिका एंड श्रीशांत, ये ट्रू बॉन्ड था और केवी का खुद से एक ट्रू बॉन्ड था कि वो कुछ भी हो जाए अपनी जगह से नहीं हटेंगे और वैसे के वैसे रहेंगे। रोमिल वॉज फीलिंग लिटिल बिट लो और ढीला बिकॉज उसके बच्चे बड़े हो गए, अलग अलग हो गए उससे, तो वो थोड़ा लो एनर्जी के साथ था। एंड दीपक वॉज ग्रेट एंड कॉन्फिडेंट, ही इज अ टास्क मास्टर और वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा भी था। और सुरभि के चेहरे पे गजब सी चमक थी दोस्तों, जैसे वो जीत जाएगी ऐसी। अगर मैं दीपक और सोमी की बात करूँ, इन दोनों को भी आपने मेंशन किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं घर के अंदर सोमी का एनिमेशन इसको मजबूत बना रहा है? सोमी थी घर के अंदर बहुत तैयार और खूबसूरत लड़की लग रही थी, सही था उसका। तो आपको लगता है सोमी का शो में भी कोई वजूद नहीं है, सिर्फ दीपक और रोमिल की वजह से वो सच में टिक रही है अभी तक? जैसा कि जब उन्हें ये कहा जाता है तो वो बहुत रोने लग जाती है या बहुत बुरा मान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यही सच नजर आ रहा है ऑडियंस को। आपका क्या कहना है? मैं आपको एक सबसे मजे की बात बताता हूँ, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना। अगर आप सोमी को घर से बाहर निकालते तो रह जाएंगे दीपक और रोमिल, ये एक बीच की कड़ी और सूत्रधार है उन दोनों का, जो बेसिकली प्ले कर रहा है इन दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं शो को कंटेंट देता है। अगर 15 मिनट का एपिसोड दीपक और रोमिल के बीच में चलता है तो वहां पर 7.5 मिनट का कंटेंट सोमी का होता है, बिकॉज ऑफ सोमी की वजह से ये सारा ट्रायो हमको दिखता है। तो सोमी तब तक है शो के अंदर जब तक शो चाहिए लोगों को रोमिल और दीपक। टॉप 3 में आप किन कंटेस्टेंट? श्री होना चाहिए 100%, दीपक ठाकुर होना चाहिए 100%, मैं दीपिका और रोमिल को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन दीपिका होगी। आपको लगता है कि रोमिल जो है वो मास्टरमाइंड एक्चुअली में है शो के, विकास गुप्ता को उन्होंने रिप्लेस किया नहीं मास्टरमाइंड? सी, हर सीजन के अंदर एक मास्टरमाइंड होता ही होता है, हर एक समझदार इंसान होता ही होता है, बट कभी जाकर के वो आगे पीछे हो जाता है। कई बार विकास को भी हिला दिया था शिल्पा जी ने, और तो रोमिल भी अपने फ्रेंड सर्कल के टूटने की वजह से हिल गया, बाकी रिवेलियर्स यानी सामने वाले तो कभी उसको हिला नहीं पाए, पर वो थोड़ा सा हिल गया अपने लोगों की वजह से, वो छोटा सा उसके साथ में जरूर हुआ है। और अब थोड़ी लेट भी हो चुकी है, तो अब सेल्फ गेम ही खेले तो बढ़िया। एक मैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, आपको सच में लगता है कि कहीं ना थोड़ा बहुत ही सही पर बिग बॉस जो है वो पार्शलिटी कर रहे हैं श्रीशांत को लेकर? क्योंकि हाल ही में एक फुटेज भी रिलीज हुआ था जहां पर श्रीशांत ये कहते नजर आ रहे थे कि आप जानते हो कि मुझे चैनल की तरफ से प्रेफरेंस मिलता है और मुझे कोई ऑडियंस नहीं बचा रही, तो इस तरह के और काफी बार श्रीशांत ऐसे बोलते हुए भी नजर आते हैं, मैं तो निकल जाऊंगा बस 2 हफ्ते बाद के या 1 हफ्ता बाद के, तो इस तरह की चीजों पर? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि अगर शो मेकर्स ये दिखा देते हैं आपको कि श्रीशांत ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तो इसका मतलब शो मेकर्स का श्रीशांत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो उसकी बुराई दिखा रहे हैं। आप मेरे लिए अच्छा बोल रहे हो, मैं वो दिखा रहा हूँ, तो अपन दोनों बटरिंग करते हुए दिखते हैं, पर वो तो बुराई दिखा रहा था, शो मिला हुआ नहीं। शो को जो चलाएगा वो शो के अंदर रहेगा, ये बात हमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। ये कोई भगवत गीता का पाठ नहीं चल रहा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को रखा जाएगा और बुरे बुरों को निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो शो चलाएगा वो शो के अंदर रहेगा, वो सुरभि राणा भी है, वो श्रीशांत भी है, वो रोमिल भी है, वो दीपक भी है, और सोमी क्यों है मैंने आपको बताई दिया। दीपिका जी एक्चुअली शी इज लाइक फैबुलस लेडी, फैन फॉलोइंग है, के भी एक बहुत पॉपुलर बंदा है, सब अपनी रीजंस की वजह से ये भी शो। लास्टली एक या दो कंटेस्टेंट्स ऐसे जो आपको लगता है कि अभी तक फालतू में यहाँ तक पहुंचे हैं, इनको शायद निकल जाना चाहिए? अगर बहुत फोर्सफुली इस बात का मैं जवाब दूं तो मेरे अकॉर्डिंगली जिसको निकल जाना चाहिए, अगर सोमी अब चली जाती तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सोमी फिर भी कंटेंट है दोस्तों, तो कोई फालतू नहीं अभी तक। विनर आप किसको देखते हैं? मैं चाहता हूँ विनर बने दीपक ठाकुर या फिर श्रीशांत, क्योंकि मोस्ट डिजर्विंग दोनों हैं, क्योंकि श्री ने शायद आधी दुनिया की गालियाँ भी सुनी है आधी दुनिया की तारीफ के साथ, जो खुल के एक्सपोज करता है अपने आप को दोस्तों, उस पर एलिगेशन तो आते हैं, मैंने भी सुनी है, तो इन दोनों में से एक बनना चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर डिजर्विंग कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू। अपने आप से प्यार करो, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करो, और मूवी अंदाज की जितनी भी चीजें आती है देखो दोस्तों, इन्होंने मुझे भी मंच दिया, कल तुमको भी दे सकते हैं। लव यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, मैं मनु पंजाबी। चैनल
मैंने मेरे चैनल के कभी नहीं या दोस्तों मूवीज अड्डा यही है ना नाम या दोस्तों मूवीज अड्डा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इनके जितने भी लोग हैं देशभक्त हैं इनको फॉलो कीजिए लव यू गाइस बाय यार तुमने फिर अकेले के लिए करवाया ना मैं लेट हो गया तेरी कसम मेरा 7:30 फिर नेक्स्ट है तो मैं कैसे करूं इसने 5-5 मिनट ओ उसने 10 मिनट खा लिया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी कर राकेश तूने तो मेरे इसके अंदर बाइक भी नहीं फंसाया क्या हाथ दुख रहे हैं जल्दी आया हाथ दुख रहे हैं बस छोड़ दे इस वाले को भले देखिए यहां रख दे ना इस पे रख दे मेरी शक्ल से सेट कर दिया आप सेंटर में आ जाइए बिहाइंड द कैमरा ओके बस सेंटर आवाज जाएगी तेरी बराबर बिहाइंड द कैमरा हां सॉरी सेंटर लुक सर नाम क्या है इसका बॉलीवुड फ्लैश